Assalamualaikum students, hope you all are doing fine at home. Today is Wednesday, April 14, 2021. I'm Asim bin Salim and I welcome you all in the physics class with a new topic. Students, in the previous lecture, we studied about some measuring instruments that were length measuring instruments. ऐसे instruments जो कि lengths या distances measure करने के लिए use होते हैं, starting from the bigger distances towards the माइक्रो डिस्टेंसेज, यानी हम बड़े डिस्टेंसेज से छोटे डिस्टेंसेज की तरफ इंस्ट्रूमेंट्स को देखते आए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले मीटर रूल को देखा. ठीक है, जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, हमने क्या कहा, मीटर रूल की रेंज क्या होती है, जो 100 सेंटीमीटर यानी दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ होती है, दैट इज नोन एज मीटर रूल. उसको हम लेंथ मेजरिंग के लिए यूज करते हैं. देन द अदर इंस्ट्रूमेंट वाज मेजरिंग टेप. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि उसकी लेंथ जितनी मर्जी आप उसको लेंथ ही बनाओ to take measurements. ठीक है, so after that we discussed another length measuring instrument, that was vernier caliper. हमने क्या कहा कि बड़ी measurements तो हम measuring tape से और meter rule से तो ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा object आ जाए जैसे human hair है, आपके पास pencil की जो आपका सिक्का होता है, अगर उसकी thickness find करनी हो, अगर आपके पास कोई wire है, conductor है, उसकी thickness, nail की thickness find करनी हो, तो वो उसके लिए हमें, हम इन instruments को कैसे use करेंगे. तो इसीलिए scientists के ज़हन में ये चीज़ आई कि हम कोई ऐसा instrument develop करें तो इस जो इस तरह के छोटे छोटे मटीरियल्स हैं उनकी थिकनेसेस, उनकी लेंथ्स, उनकी डायमीटर्स को फाइंड कर सके. सो देयरफॉर हमारे पास आइडिया आ गया कि हमने वेर्नियर कैलिपर को डेवलप कर लिया. सो वेर्नियर कैलिपर को डिस्कस करते हुए मैंने कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट कराई थी. दैट वाज द फर्स्ट थिंग, जो आपको जब भी कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको गिवन होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो आपने उसके बारे में 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज कंस्ट्रक्शन, कि वो कैसे बना है, यानी इसकी शेप क्या है, उसको आप ड्रा भी कर सकते हैं. ठीक, द अदर थिंग वाज कि उसका लीस्ट काउंट क्या है. ठीक है, लीस्ट काउंट मैंने क्या बताया था, क्या होता है, द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक, उसके बाद थर्ड चीज क्या फाइंड करनी है आपने, कि उसका जीरो एरर क्या चीज होती है. जीरो एरर मैंने क्या बताया था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, जिसकी वजह से अगर आप मेजरमेंट ले रहे हो तो आपकी नीडल प्रॉपरली जीरो पे ना हो, दैट इज नोन एज, उसको आप क्या बोलेंगे कि ये इस डिवाइस के अंदर ये क्या है, जीरो एरर है. ठीक है, तो वो क्या होता है, जब आप उसको बनाया जा रहा होता है तब उसके ऊपर प्रिंटिंग या उसका कोई जो सॉलिड है वो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर आपके पास नीडल्स जो हैं वो ज़ीरो के ऊपर जाके कोइंसाइड नहीं करती, और हम उसे कहते हैं ज़ीरो एरर. ठीक है, फिर हमने कहा ज़ीरो एरर के बाद हमने क्या कहा के वर्किंग, कि आपको उसकी वर्किंग पता होनी चाहिए. सो क्या क्या फैक्टर्स आ गए, कंस्ट्रक्शन यानी कैसे वो बना है, द अदर थिंग इज लीस्ट काउंट, देन जीरो एरर, और फिर वर्किंग. तो ये 4 पॉइंट्स आपने जब भी कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गिवन होगा आपने उसके बारे में लिखने हैं. ठीक है, सो वेर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो देयरफॉर आपको इनके बारे में पता होना चाहिए. तो फर्स्ट पैराग्राफ जो भी था वेर्नियर कैलिपर का, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन गिवन थी, उसके बाद लीस्ट काउंट था, उसके बाद जीरो एरर था, और आखिर पे वर्किंग या रीडिंग थी, कि कैसे हम रीडिंग लेते हैं यूजिंग अ वेर्नियर कैलिपर. सो टुडेज टॉपिक इज स्क्रू गेज. सो उसी तरह का एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. अब हमने ये कहा कि वेर्नियर कैलिपर का तो हमने डिसाइड कर लिया कि वो जी, हमने कहा कि अब जो हमारे पास मीटर रूल था वो 1 मिलीमीटर तक लेंस को, छोटी लेंस को मेजर कर सकता था, लेकिन अगर उससे भी छोटी कोई चीज़ आ जाए तो उसके लिए हमने वेर्नियर कैलिपर डेवलप कर लिया. हमने कहा कि हम 1 मिलीमीटर को अगर 10 टाइम्स मजीद डिवाइड करते हैं, यानी 1 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.1 मिलीमीटर. सो 0.1 मिलीमीटर तक की थिकनेस को भी मेजर कर सकता है वेर्नियर कैलिपर. बट अगर हमने कहा कि इससे भी कोई छोटी चीज़ आ जाए, जैसे ह्यूमन हेयर है, ह्यूमन हेयर की थिकनेस इज इवन लेस देन 0.1 मिलीमीटर, सो इससे भी कम है, तो अब उसको हम कैसे मेजर कर सकें, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आ गया. तो उसके लिए साइंटिस्ट ने फिर गौर किया और उन्होंने कहा कि पहले तो हमने क्या किया कि हम 1 मिलीमीटर को हमने 10 टाइम्स डिवाइड कर दिया. अब हम उस 1 मिलीमीटर को अगर 100 टाइम्स डिवाइड करें, यानी एक ऐसा स्केल लगाएं जो उसको 100 डिवीजन्स में या 50 डिवीजन्स में डिवाइड करे, तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो जो डिवेलप कराया गया, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्क्रू गेज. तो वो जो इंस्ट्रूमेंट बना था उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रू गेज. सो कहता है स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन अ वेर्नियर कैलिपर, और इसकी एक्यूरेसी क्या है, वेर्नियर कैलिपर से ज्यादा है. ठीक है,
सो जितनी जो फॉर एग्जांपल जो 1 मिलीमीटर को अगर मैं डिवाइड करूं 100 टाइम्स तो 1/100 विल गिव अस 0.01. सो देखें 0.01. सो पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा आपके पास क्या कहते हैं फिगर्स आएंगे ठीक है उतनी ही आपकी वैल्यू क्या होगी मोर एक्यूरेट इट विल बी ठीक है या मोर प्रिसाइज इट विल बी. सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. इसको हम क्या बोलते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यानी कि बहुत छोटी मेजरमेंट्स ले सकता है. अ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप. सो ये नीचे इसकी शेप गिवन है यू शेप इसका स्ट्रक्चर होता है ठीक है. आगे हम देखते जाते हैं क्या है. इट कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड मेटल फ्रेम विद अ मेटल स्टड एट इट्स वन एंड एज शोन इन फिगर 1.9. तो ये देखें इसकी जो लेफ्ट साइड पे आपका यू की लेफ्ट साइड है इसके ऊपर स्टड है. स्टड बेसिकली क्या है एक मेटल का पीस है जो कि फिक्स्ड है यहाँ पे ठीक. और दूसरी तरफ स्पिंडल है दूसरे यू में क्या है स्पिंडल है. स्पिंडल कनेक्ट है आपके पीछे स्केल के साथ. वो क्या कर रहा है मूव कर रहा है. वो क्या करता है मूव करता है टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव कर रहा होता है. वो किससे मूव करता है जो पीछे आपको सर्कुलर स्केल है उसको आप जब रोटेट कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ आपका स्पिंडल भी आगे पीछे मूव कर रहा होता है. और हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट्स को स्पिंडल और स्टड के दरमियान प्लेस करते हैं और साथ हम पीछे सर्कुलर स्केल को रोटेट करते 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 हम इसको जब वो ऑब्जेक्ट उसके अंदर आके क्लोज हो जाता है फिर हम इसके ऊपर तब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं ठीक है. सो कहते हैं थिम्बल हैज threaded spindle inside it as the thimble completes one rotation the spindle moves 1 millimeter along the index line. So ये आपको एक main scale नज़र आ रहा होगा जैसे हमने vernier caliper के अंदर देखा था ना एक main scale लगा हुआ था और एक movable scale था नीचे जो छोटा सा था 1 से 10 तक जिसके ऊपर रीडिंग थी और जो आपके पास main scale था उसके ऊपर हमारे पास 12 या 10 centimeter तक हमारे पास रीडिंग थी ठीक है. सो अब जो आपके पास मेन स्केल है इसके साथ आप देखें जो सर्कुलर में वैल्यूज गिवन है जो देखें 70, 75, 80, 65, 60 तो ये एक सर्कुलर स्केल है जिसके ऊपर वैल्यूज 0 से लेके 100 तक गिवन है. तो ये जब 0 फॉर एग्जांपल ये जो आपको मेन लाइन नज़र आ रही है ना नीचे लिखा हुआ इंडेक्स लाइन ये जो मेन स्केल है इसकी एक जो मेन लाइन आपको एक बड़ी सी लाइन नज़र आ रही है सेंटर में जो डिवाइड कर रही है आपके स्केल को उस लाइन को हम क्या बोलते हैं इंडेक्स लाइन ठीक है. सो इंडेक्स लाइन के ऊपर इसको डिवाइड किया गया है 0 से लेके 5 फिर 10 फिर 15 अप टू सो ऑन. बाकी जो आपका स्केल होता है वो सर्कुलर स्केल के नीचे हाइड हुआ है ठीक है. तो ऊपर उसने ये कहा है कि जब ये सर्कुलर स्केल आपका या थिम्बल इसको बोलते हैं जब ये रोटेट करेगी कंप्लीट यानी 100 जब इसका 0 से जब इसका फॉर एग्जांपल 0 था इंडेक्स लाइन के बराबर 0 से लेके जब 100 तक वापस यहाँ पे पहुँच जाएगा उसके बाद आपका जो ये जो आपका थिम्बल है ये सर्कुलर स्केल है ये 1 मिलीमीटर आगे की तरफ मूव करेगा ठीक है. ठीक है अगर मैं इसको 3 times रोटेट करूँ तो ये 5 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ये हाइड हो जाएगा इस सर्कुलर स्केल के अंदर ठीक है. तो क्या हो रहा है तो 3 rotations के बाद ये 3 lines हाइड हो जाएंगी ठीक है. यानी वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है और ये जो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज. इसको हम क्या बोलते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज ठीक है. जैसे हम वहाँ पे देख रहे थे वर्नियर कैलिपर में कि जो स्मॉलेस्ट रीडिंग वो ले सकता था वो 1 मिलीमीटर थी इसी तरह यहाँ पे स्क्रू गेज जो स्मॉलेस्ट स्क्रू गेज का जो मेन स्केल है वो मेन स्केल के ऊपर जो आप छोटी रीडिंग ले सकते हैं दैट इज 1 मिलीमीटर और वो किसके इक्वल होती है अगर एक थिम्बल पूरा एक दफ़ा रोटेट करे ठीक है तो उसके नतीजे में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर होगा 1 मिलीमीटर की लेंथ कवर होगी. सो दैट इज नाउन एज पिच ऑफ स्क्रू गेज. तो ये जो अभी तक पैराग्राफ था इट वाज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रू गेज. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज नाउन एज लीस्ट काउंट. व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज. सो स्क्रू गेज में आपके जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर कितनी डिवीजन होती हैं 100 डिवीजन. तो जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट फाइंड किया था तो वो क्या था कि पिच ऑफ द वर्नियर कैलिपर या स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द वर्नियर मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल दैट वाज 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10. सो देयरफॉर रिजल्टेंटली वी गॉट 0.1 मिलीमीटर एज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. बट इन स्क्रू गेज हाउ लीस्ट काउंट इज कैलकुलेटेड द सेम फार्मूला. इसमें क्या है पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय यहाँ पर नीचे लिखा भी होगा लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. तो अभी हमने ऊपर देखा कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या है 1 मिलीमीटर ठीक है. एक कंप्लीट रोटेशन पे जितना डिस्टेंस जितनी एक डिस्टेंस या लेंथ कवर होती है दैट इज 1 मिलीमीटर. सो उसको हम पिच ऑफ द स्क्रू गेज बोलते हैं.
सो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ट्वीन ऑन सर्कुलर स्केल कितनी होती है 100. सो 1 डिवाइडेड बाई 100 विल गिव अस 0.01 मिलीमीटर. सो 0.01 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज. सो ये कैसे कैलकुलेट होता है अभी हमने देखा, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ट्वीन ऑन सर्कुलर स्केल. सो इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें इट इज 0.001 सेंटीमीटर. ठीक है, सो लिस्ट काउंट का क्या मतलब है? इस लिस्ट काउंट का मतलब यह है कि आपका जो स्क्रू गेज है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो ले सकता है, या कोई भी बंदा इसको यूज करते हुए जो स्मॉलेस्ट रीडिंग ले सकता है दैट इज 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्किंग ऑफ स्क्रू गेज, जस्ट लाइक हमने डिस्कस किया था कि वर्किंग ऑफ द वेनियर कैलिपर. सो बिफोर वर्किंग हमने सबसे पहले क्या चेक करना होता है, जीरो एरर क्या चीज है. ठीक है, सो व्हाट इज जीरो एरर? सो जीरो एरर कहता है टू फाइंड द जीरो एरर क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड द स्टार्ट. ठीक है, जैसे हमने क्या कहा था वेनियर कैलिपर में कि उसके दोनों जॉज को जोड़ दो, तो इसी तरह ये स्पिंडल और स्टड, तो आप सर्कुलर स्केल को रोटेट करते जाएंगे अनलेस के जब तक कि ये स्पिंडल और स्टड आपस में जुड़ नहीं जाते. फिर जुड़ जाएंगे तो आपका सर्कुलर स्केल मजीद रोटेट नहीं करेगा और ना ही आपने उसको फोर्सफुली रोटेट करना है. ठीक है, तो जो ही आप इसको रोटेशन कंप्लीट करा देंगे तो उसके बाद फिर हम नोट करेंगे कि मेन स्केल के ऊपर ये जो इंडेक्स लाइन है, क्या हमारी ये जो जीरो सर्कुलर के ऊपर देखें, जीरो से लेके 99 तक आपके पास स्केल गिवन होगा, 95 तक स्केल गिवन होगा. ठीक है, तो जब हम इसको रोटेट करते जाएंगे और अगर हमारी जीरो लाइन ये जो इंडेक्स लाइन है मेन स्केल की इसके बराबर आ जाती है जीरो लाइन, दिस मीन्स देयर इज नो जीरो एरर इन द स्क्रू गेज. जीरो एरर कब होगा? जब वो जीरो वाली लाइन या तो ऊपर चली जाएगी इस इंडेक्स लाइन से या तो नीचे की तरफ रह जाएगी, पीछे की तरफ रह जाएगी. ठीक है, सो उस केस में हम देखते हैं कि जीरो एरर पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, वो हम अभी देखने जा रहे हैं. तो कहता है टू फाइंड द जीरो एरर क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड द स्टार्ट ऑफ स्क्रू गेज बाय रोटेटिंग द रैचेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. रैचेट क्या होता है ये देखें, ये राइट साइड पे बिल्कुल ये लास्ट जो पार्ट है इसका रैचेट होता है. रैचेट से आप हमेशा रोटेट करते हैं सर्कुलर स्केल को. ठीक है, कभी भी आप स्केल को पकड़ के रोटेट नहीं करते, रैचेट से रोटेट करते जाते हैं. और जो ही जब ये क्लोज होते हैं तो रैचेट की एक साउंड आती है, क्लिक की साउंड. जो ही वो क्लिक की साउंड आ जाती है आपने उसके बाद इसको मजीद रोटेट नहीं करना, अदरवाइज इट विल यू विल डिस्टर्ब इट्स एक्यूरेसी. ठीक है, यानी आप उसका जीरो एरर को ख़राब कर देंगे. फिर जीरो एरर क्रिएट भी कर सकते हैं हम इसके अंदर जानबूझ के छेड़े, अगर हम डिफेक्ट हम खुद उसमें ला सकते हैं. ठीक है, सो ऐसा नहीं करना. सो हम रैचेट से इसको रोटेट करते जाएं और फिर हम इसको क्लोज करें. तो क्लोज करने के बाद कहता है कि इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोइंसाइड कर जाए विद द इंडेक्स लाइन देन द जीरो एरर विल बी जीरो एज शोन इन द फिगर. तो अगर आप इस फिगर में देखें, जैसे ये फिगर ए है, तो क्या कह रहा है कि ये देखें इंडेक्स लाइन मैंने आपको बताई थी ना, सेंटर से जो लाइन जा रही है आगे की तरफ स्केल को दो पोर्शन में डिवाइड करते हुए. ठीक, और दूसरी जीरो लाइन आपकी कौन सी आ गई है? ये जीरो लाइन है आपकी सर्कुलर स्केल की. सर्कुलर पे मैंने क्या कहा था, जीरो से स्टार्ट होता है पूरा सर्कुलर पे, ये जो राइटिंग लिखी हुई है जीरो से लेकर 95 तक आपके पास इसके ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई हैं. तो अगर ये जीरो लाइन उस इंडेक्स लाइन के बिल्कुल बराबर आ जाए देन देयर इज नो जीरो एरर. ठीक, अब जीरो एरर पॉजिटिव कब होगा या नेगेटिव कब होगा वो हम अब आगे देख रहे हैं. तो आप नीचे वाली फिगर बी के अंदर देखें तो आप जीरो एरर, इसमें कौन सा जीरो एरर है? पॉजिटिव है. ये कब होगा पॉजिटिव जी? इफ जब आप उसको कंप्लीट क्लोज करें. तो कहता है इफ जीरो एरर इज पॉजिटिव इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, अगर वो जीरो लाइन जो है आपकी ये देखें जैसे ये ऊपर जीरो लाइन थी. ठीक है, अगर ये जीरो कहीं नीचे ही रह जाए ऊपर ना जाए यानी इस इंडेक्स लाइन के पास ना पहुंचे, तो देखें जीरो कहाँ है, ये फाइव भी अभी नीचे है, जीरो तो बाद की बात है. सो ये कौन सी इस वक्त लाइन आ रही है आपके पास? 18th लाइन इस वक्त इंडेक्स लाइन के साथ मैच कर रही है, ना कि कौन सी लाइन मैच कर रही है, जीरो की. सो दिस मीन्स देयर इज अ जीरो एरर इन द स्क्रू गेज दैट इज पॉजिटिव जीरो एरर. ठीक, सो अब पॉजिटिव जीरो एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे हमने वेनियर कैलिपर में कैलकुलेट किया था कि हमने क्या कहा था कि जीरो लाइन अगर मैच नहीं कर रही तो हमने ये देखना है कि अब कौन सी लाइन जो है वो इंडेक्स लाइन के साथ मैच कर रही है. सो 18th लाइन मैच कर रही है, सो दिस मीन्स 18 मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट अभी हमने क्या निकाला था? 0.01 मिलीमीटर. सो 18 को मल्टीप्लाई बाई 0.01 करेंगे सो दैट इज प्लस 0.18 मिलीमीटर जो ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने. ठीक है,
सो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, उसका जीरो एरर। अगर हम इसको करेक्ट करना चाहें तो वो कैसे करेक्ट होगा, जीरो करेक्शन क्या होती है, नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर, यानी फाइनल वैल्यू में से 0.18 मिलीमीटर को हम माइनस कर देंगे तो ये हम जीरो एरर को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर करेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी रीडिंग क्या होगी, गलत होगी। ओके, सो अगर जीरो एरर नेगेटिव कब होगा, ये केस भी देख लेते हैं। सो नेगेटिव कब होगा, कहता है कि इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, अगर वो जीरो जीरो पे रुकने के बजाय वो इंडेक्स लाइन के बराबर आने के बजाय ऊपर चली जाए, यानी कोई बड़ी वाली वैल्यूज अगर आ जाएं इसके सामने, तो इस तरह के केस में जो आपके पास जीरो एरर आएगा दैट इज वो कितना होगा, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक, सो देयरफॉर अगर हम अब कंपेयर करें कि कौन सी डिवीजन जो है आपकी वो इस वक्त मैच कर रही है, सो जीरो से पीछे कितनी डिवीजन हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 बैक काउंट करेंगे तो 95 वाली डिवीजन यानी फिफ्थ डिवीजन आपकी मैच कर रही है किसके साथ, जीरो लाइन के साथ। सो देयरफॉर दिस डिवीजन मल्टीप्लाइड विद द, जितनी डिवीजन्स क्रॉस करके ऊपर गई हुई है, सो कितनी डिवीजन हैं, 5, जीरो से लेके अगर हम देखें तो दैट इज 5 डिवीजन। सो 5 मल्टीप्लाई बाय इट्स लीस्ट काउंट दैट इज 0.01 मिलीमीटर, 0.005 मिलीमीटर इज द नेगेटिव जीरो एरर, उसके साथ माइनस लगा देंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये नेगेटिव जीरो एरर है। तो नेगेटिव जीरो एरर को हम करेक्ट कैसे करते हैं, इट इज द नेगेटिव ऑफ जीरो करेक्शन इज द नेगेटिव ऑफ जीरो एरर, यानी माइनस इनटू माइनस 0.05, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस मीन्स कि फाइनल रीडिंग के अंदर आपने क्या करना है, 0.5 को ऐड करना है टू मेक योर मेजरमेंट करेक्ट एंड टू रिमूव द जीरो एरर। सो द जीरो एरर को रिमूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो इसके रिलेटेड एक एग्जांपल है, आप लोगों ने इस एग्जांपल को डिटेल स्टडी करना है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि आपके पास इस इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज़ है और इससे कैसे रीडिंग लेते हैं। अब यहाँ तक तो जीरो एरर देखा हमने, रीडिंग का अब मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ आपको। तो रीडिंग क्या करेंगे हम, ये आपके पास आ गया स्क्रू गेज, तो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल वायर है, कंडक्टर ले लिया, वो आपने स्टड और स्पिंडल के दरमियान प्लेस करना है और रैचेट से रोटेट करते 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 आपने क्लोज करना है। जो ही क्लोज होगा उसके बाद आपने पहले मेन स्केल के ऊपर रीडिंग देखनी है। मेन स्केल कौन सा है, ठीक है, ये जो आपके सामने 0 और 5 जिस स्केल के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल स्केल है और सर्कुलर आपको वर्टिकल नजर आ रहा है आपको, ठीक है। सो जो हॉरिजॉन्टल स्केल है पहले आपने इसके ऊपर रीडिंग लेनी है। फॉर एग्जांपल अभी मैं कह रहा हूँ कोई कंडक्टर प्लेस्ड है उसके अंदर, तो मैंने रीडिंग ले ली 0, 1, 2, 3, 4, 5, सो दिस मीन 5, 6, 7th डिवीजन आपको नजर नहीं आ रही, सो 6th डिवीजन, दिस मीन 6 मिलीमीटर जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसका डायमीटर या उसकी लेंथ कितनी है, 6 मिलीमीटर। अब हमने उसके बाद क्या करना है, ये तो आ गई मेन स्केल की रीडिंग, अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे लेंगे, हमने ये देखना है कि कौन सी लाइन जो है वो इंडेक्स लाइन के साथ मैच कर रही है। सो 70 वाली लाइन मैच कर रही है, तो दिस मीन 70 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, दैट इज 0.01 मिलीमीटर के साथ 70 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.7 मिलीमीटर, ठीक है। सो 0.7 को हमने ऐड करना है 6 मिलीमीटर में, सो मिलीमीटर 6 मिलीमीटर प्लस 0.7 मिलीमीटर, तो आपके पास 6.7 मिलीमीटर आपके पास क्या आ जाएगी, मेजरमेंट आ जाएगी, अगर जीरो एरर आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। अगर जीरो एरर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो वो माइनस कर देंगे हम इसमें से, अगर नेगेटिव होगा तो हम 6.7 में उसको ऐड कर देंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थोड़ा सा मैं इसको समराइज करूं टॉपिक को, तो आपने सबसे पहले स्क्रू गेज का कंस्ट्रक्शन देखनी है, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कंस्ट्रक्शन है, तो अदर थिंग इज, उसके बाद लीस्ट काउंट को एक्सप्लेन किया गया, उसके बाद जीरो एरर, फिर हमने उसकी वर्किंग को देख लिया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। सो ये दोनों टॉपिक थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे, बट दे आर नॉट डिफिकल्ट, आई विल एक्सप्लेन यू इन द फिजिकल क्लासेस थ्रू प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल्स में आप जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप कहोगे कि इट्स ईजी, फिर आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप जस्ट खुद लिख सकेंगे इसको, ठीक है। सो इट्स नॉट अ बिग डील, सो आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना।
एग्जाम्पल्स को आपने गो थ्रू करना है ताकि आप इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकें, और फिर आप जब फिजिकल क्लासेस के लिए आएंगे तो पहले लेक्चर में ही इंशाल्लाह मैं आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के दोनों प्रैक्टिकल आपको करा दूंगा, सो दैट यू गाइज हैव बेटर लर्निंग ऑफ दीज टॉपिक्स. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस नाउ मैस मेजरिंग एंड टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, सो अब यहाँ तक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़ लिए. कितने कितने कौन से लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हमने? द फर्स्ट वन वाज मीटर रोल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. फोर लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़ लिए हैं. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू मैस मेजरिंग, मैसेज फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं लेबॉरटरीज के अंदर. अब हमने उनको डिस्कस करना है. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस देम इन ओवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. योर होमवर्क विल बी शेयर्ड. मे बी वी डू नॉट हैव एनी होमवर्क फॉर यू गाइस, और मे बी some kind of short question can come as well. So but whatever it is, the homework will be shared in the WhatsApp group as well as on the portal. So thank you for joining and listening. Allah Hafiz.